नमस्कार, मैं प्रकाश पुद्दार आपके इस अपने YouTube परिवार करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संसद की कार्रवाइयों में प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों के बारे में। अगर आप लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी में संसद की कार्रवाई देखते होंगे तो आप लोगों ने इन प्रस्तावों का नाम सुन रखा होगा। दोस्तों, ऐसे तो काफी पॉपुलर है विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना रहता है किसी न किसी कारणों से। तो आप लोगों ने इनका नाम तो जरूर सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये प्रस्ताव होते क्या हैं, इन प्रस्तावों को कौन से सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, कौन प्रस्तुत करता है और संसद की कार्रवाइयों में इन प्रस्तावों का कितना महत्व है। ठीक है, इन सब बातों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। बट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे जेपीएससी ऑनलाइन कोर्स के बारे में। हमारा झारखंड पीसीएस का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है दोस्तों, और उसमें आपको मिल रहा है ऑडियो वीडियो लेक्चर्स, हमारे द्वारा तैयार हैंड रिटेन नोट्स और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज। साथ ही साथ उसमें हम लोग लाइव क्विज सेशन भी करते हैं। तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारे जेपीएससी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 7070802888। ठीक है, ये पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए या फिर संपर्क करिए, आपको डिटेल जानकारी दे दी जाएगी। 30 जून तक इसमें 50% प्लस डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव सबसे पहले लिखा है, एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। सबसे पहले विश्वास प्रस्ताव देखिए, सबसे पहले आप लोग जानिए प्रस्ताव क्या होता है, तब आप लोग ये प्रस्ताव समझ पाइएगा। ठीक है, प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों, संसद के अंदर कार्रवाइयों को गति प्रदान करने के लिए, संसद के काम में गति प्रदान करने के लिए, संसद में विभिन्न सदस्यों द्वारा, चाहे वो सरकारी सदस्य हो चाहे वो गैर सरकारी सदस्य हो, सरकारी सदस्य उन्हें बोलते हैं जो मंत्रिमंडल में होते हैं, मंत्रिपरिषद में होते हैं, गैर सरकारी सदस्य उन्हें बोलते हैं जो जस्ट एक सांसद होते हैं, वो मंत्री नहीं होते हैं। तो किन्हीं के भी द्वारा संसद में अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसका एकमात्र मकसद होता है दोस्तों कि संसद के कार्यों को गति प्रदान करना। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव के बारे में आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जाननी है दोस्तों, देखिए विश्वास प्रस्ताव का जिक्र ना तो हमारे संविधान में है और ना ही हमारी संसद की जो कार्य नियम है उसमें भी इसका जिक्र नहीं है दोस्तों, बट ये होता है। समझे, संसद के जो नियम है ना, संसदीय नियम है, उसमें भी विश्वास प्रस्ताव शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, और ना ही संविधान में कहीं जिक्र है, बट फिर भी विश्वास प्रस्ताव होता है। क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले विश्वास प्रस्ताव जो है हमेशा, ठीक है, हमेशा सरकार पक्ष के द्वारा रखा जाता है, सरकार पक्ष। ठीक, एक तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यह हमेशा लोकसभा में रखा जाता है। इसका भी एक रीजन है दोस्तों, लोकसभा में रीजन यह है दोस्तों कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यानी इसका सामान्य सा अर्थ ये हुआ कि मंत्रिपरिषद का औचित्य तब तक बना हुआ है जब तक कि लोकसभा में उसको समर्थन हासिल है। समझे, इस सेंटेंस का मतलब यही होता है। तो विश्वास प्रस्ताव हमेशा सरकार पक्ष प्रस्तुत करती है, हमेशा ये कहां पर प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और इसका उद्देश्य मुख्यतः होता है दोस्तों अपने विश्वास मत को हासिल करना कि हमें संसद में बहुमत प्राप्त है, लोकसभा में खासकर सरकार को अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, कि हम सरकार में बने रहने के लिए जो बहुमत की आवश्यकता है वो हमें प्राप्त है, इसके लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव में मतदान होते हैं, और अगर संसद में यानी लोकसभा में खासकर यहां पर सरकार को बहुमत हासिल हो जाता है, वो विश्वास जीत जाती है तो वो सरकार में बनी रहती है। अगर ये विश्वास नहीं जीत पाती है, विश्वास प्रस्ताव अगर गिर जाता है, ठीक है, तो
वो सरकार में रहने लायक नहीं रह जाती है, उसे इस्तीफा देना पड़ता है दोस्तों। तो आप लोगों ने इसका मेन अर्थ समझ लिया होगा, ठीक है, कि विश्वास प्रस्ताव का क्या महत्व है। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों, वो ये लोकसभा में रखी जाती है, ये सरकार पक्ष के द्वारा रखी जाती है, और मुख्य उद्देश्य है सरकार को अपनी बहुमत को सिद्ध करना, ठीक है, कि लोकसभा में हमारा बहुमत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव कहां रखा जाता है, आइए समझते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, मैं थोड़ा फैन चला देता हूं, गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव की बात अगर हम करते हैं तो ये प्रस्ताव भी हमेशा, ठीक है, हमेशा लोकसभा में रखा जाता है, ठीक, किस कहां पे रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा रखा जाता है, ठीक है, विपक्ष के द्वारा रखा जाता है, बट इसको रखने के लिए दोस्तों 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है, ठीक है, इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है, और इसका जस्ट उल्टा उद्देश्य है, ठीक है, इस प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य यह है कि ये जो प्रस्ताव लाया जाता है, ये इसलिए लाया जाता है कि ये प्रूफ करना चाहता है कि सरकार बहुमत में नहीं है। जैसा कि विश्वास प्रस्ताव में सरकार लाती है कि हम बहुमत में हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष लाती है कि जो सरकार बैठी हुई है इसको लोकसभा का विश्वास हासिल नहीं है, ठीक है, और ये प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, समझे, ये प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है दोस्तों, तो सरकार को, पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, समझे। तो अविश्वास प्रस्ताव भी आपने समझ लिया होगा, लोकसभा में रखा जाएगा, और यह प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा, मतलब सरकार पक्ष के द्वारा नहीं रखा जाता है, विपक्ष के सदस्यों के द्वारा रखा जाता है, ठीक है, और उद्देश्य है सरकार को कटघरे में खड़ा करना कि सरकार जो है बहुमत में नहीं है, और अगर यह प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं निंदा प्रस्ताव की, और साथ में तुलना करेंगे कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में क्या डिफरेंस है। तो निंदा प्रस्ताव जानते हैं, देखिए दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लाया जाएगा, इसके आधारों का उल्लेख कहीं भी नहीं है कि किस आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, इस आधार का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो वो बस इसलिए लाया जाता है कि सरकार को किसी भी मुद्दे पर, ठीक है, किसी भी मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करना कि इस मुद्दे पर सरकार जो है वो विश्वास में नहीं है, लोकसभा के विश्वास में नहीं है, और वहाँ पे मतदान कराया जाता है, और अगर वो मतदान में सरकार पक्ष जीत जाती है तब तो बच जाती है, लेकिन वहाँ पर अगर मतदान में नहीं जीत पाती तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन निंदा प्रस्ताव में थोड़ा सा डिफरेंस है, निंदा प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो निंदा प्रस्ताव भी हमेशा और हमेशा लोकसभा में रखा जाता है, ठीक है, लोकसभा में ही रखा जाता है निंदा प्रस्ताव को। हाँ, इसको कौन रखेगा, इसको भी हमेशा विपक्ष के सदस्य रखेंगे, विपक्ष के सदस्य के द्वारा रखा जाए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये निंदा प्रस्ताव जो है ना सरकार पक्ष के, सरकार के कोई मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है, या समूह के खिलाफ लाया जा सकता है, ठीक है, या पूरी सरकार के खिलाफ लाया जा सकता है, समझे, कोई एक मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, कोई मंत्रियों के समूह के खिलाफ लाया जा सकता है, या पूरी सरकार के खिलाफ लाया जा सकता है। लोकसभा में ही रखा जाता है दोस्तों, ठीक है, और निंदा प्रस्ताव के बारे में जो उद्देश्य है, सरकार की निंदा करना, या किसी मुद्दे पर उसकी निंदा करना, या किसी सरकार के किसी मंत्री की निंदा करना, अंतर यह है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव में
कि अगर निंदा प्रस्ताव में सरकार हार जाती है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि अविश्वास प्रस्ताव में होता है। ठीक है, आपने पढ़ा कि अविश्वास प्रस्ताव में अगर सरकार हार जाएगी तो उसे क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। निंदा प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, बाकी सभी बातें वही है कि लोकसभा में रखा जाता है, विपक्ष के सदस्यों के द्वारा रखा जाता है, कोई एक मंत्री के खिलाफ भी रखा जा सकता है, मंत्रियों के समूह के खिलाफ भी रखा जा सकता है, या फिर पूरे मंत्रिमंडल के मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी रखा जा सकता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, थोड़ा ही सा डिफरेंस था ना। अब आइए जानते हैं अगला, विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है। देखिए दोस्तों, विशेषाधिकार प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अभी तक हमने जो तीन प्रस्ताव पढ़े, ये तीनों की तीनों लोकसभा में रखे जाने वाले प्रस्ताव थे। ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है। क्लियर है, विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है किसी भी सदन में रखा जा सकता है। इसका मकसद होता है दोस्तों कि जो विपक्ष के लोग हैं, रखेंगे कौन, ये भी विपक्ष के लोग ही रखेंगे, विपक्ष के लोग रखेंगे दोस्तों। और इनका मकसद होता है कि सरकार को इस कारण से घेरना कि सरकार ने किसी सदस्य का या फिर किसी सदस्यों के समूह का, ठीक है, विशेषाधिकार का हनन किया है, गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके संसद के अंदर, गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके, गलत आंकड़ों को प्रस्तुत करके संसद के किसी सदस्य का या संसद के सदस्यों के समूह का या किसी पार्टी का, ठीक है ना, क्या किया है, विशेषाधिकार का हनन किया। अब ये विशेषाधिकार क्या होता है इसके बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। संसद के सदस्यों को बहुत सारे विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि संसद में अगर वो किसी प्रकार के गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, समझे। तो ये एक विशेषाधिकार है। तो विशेष विपक्ष के लोग लाएंगे और सरकार के खिलाफ लाएंगे कि सरकार का कोई मंत्री या सरकार के द्वारा सदस्यों का क्या किया गया है, विशेषाधिकार हनन किया गया है। ठीक है, तो इसलिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट यह है कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है और विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक, अब आइए जानते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है दोस्तों। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इसमें न ऐसा होना चाहिए ना। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात करें तो नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि संसद के सदस्य जो होते हैं, कोई भी सदस्य ला सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि विपक्ष का सदस्य लाए, ये सरकार पक्ष का भी कोई सदस्य ला सकता है, ठीक है, या विपक्ष का भी कोई सदस्य ला सकता है, मतलब संसद का कोई भी सदस्य ला सकता है। ठीक है, संसद का कोई भी सदस्य, कोई भी सदस्य इसको ला सकता है। क्लियर है, ये किस लिए लाएगा, अगर मान लीजिए कोई अविलंबनीय, कोई ऐसा लोकहित का मुद्दा है, समझे, जिस पर सरकार के किसी मंत्री का या सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना है, ध्यान आकृष्ट करवाना है, ठीक है, कोई लोकहित का मुद्दा है जो कि अविलंबनीय है, वैसे मुद्दे पर सरकार के किसी मंत्री का या सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अब ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में जो जवाब दिया जाएगा मंत्री जी के द्वारा, समझे, वो मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया जाएगा वो तुरंत दिया जा सकता है या फिर मंत्री जी उसके लिए समय भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जब भी कोई सदस्य प्रस्तुत करेगा दोस्तों, चाहे वो सरकारी सदस्य हो या गैर सरकारी सदस्य हो, वो जब प्रस्तुत करेगा तो वो स्पीकर की, जो यो भी लोकसभा की या फिर राज्यसभा में प्रस्तुत कर रहा, राज्यसभा के सभापति की अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। ठीक है, समझ गए, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्थगन प्रस्ताव क्या है। देखिए, स्थगन प्रस्ताव को समझते हैं, उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव बहुत सिंपल है दोस्तों। धन्यवाद प्रस्ताव, देखिए किसको कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। आपने सुना होगा कि
कि लोकसभा का चुनाव जब होता है उसके बाद जो पहला सदन होता है, पहला सत्र जो होता है संसद का, या फिर जो हर वित्त वर्ष का जो पहला सत्र होता है, उस सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। वहां पर राष्ट्रपति अपने शब्दों को नहीं बोलते हैं, वो सरकार के द्वारा जो तैयार करके दिया जाता है उस शब्दों को प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक अभिभाषण देते हैं, वो अभिभाषण में सरकार के किए गए कार्यों के बारे में भी बताते हैं और सरकार अगले एक वर्ष में क्या कार्य करने वाली है उसकी भी योजना बताते हैं, समझे। ये जो करते हैं राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा ये जो किया जाता है, क्या किया जाता है, संसद में जो संबोधन दिया जाता है, चाहे वो साल का पहला सत्र हो वित्तीय वर्ष का, या फिर वो लोकसभा चुनाव के बाद का पहला सत्र हो, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जो सरकार तैयार करके देती है अभिभाषण, इस अभिभाषण पर चर्चा होती है दोनों सदनों में, समझे। जो अभिभाषण राष्ट्रपति ने दिया उस अभिभाषण पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में चर्चा होती है और उसी चर्चा को, ठीक है, उसी चर्चा को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है दोस्तों। मतलब मुख्य रूप से आप कहिए कि राष्ट्रपति का जो संबोधन होता है उसके बाद जो चर्चा होती है लोकसभा और राज्यसभा में, इसको, इस समय जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर एक बज गया स्थगन प्रस्ताव, एक बज गया समापन प्रस्ताव, समझे। स्थगन प्रस्ताव, मान लीजिए संसद की कार्रवाई चल रही है, ठीक है, संसद की कार्रवाई चल रही है और कोई विशेष मुद्दा, कोई ऐसा अविलंबनीय मुद्दा आ गया है जो लोकहित का मुद्दा है, उसके लिए, उस मुद्दे को रखने के लिए संसद की नियमित कार्रवाई को स्थगित कर दी जाती है, समझे। संसद की नियमित कार्रवाई को स्थगित कर दी जाती है और इस मुद्दे को लाया जाता है बीच में जो लोकहित का मुद्दा है और अविलंबनीय है, तो वैसे प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। हालांकि स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए भी 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है और जो सभापति होते हैं उससे अनुमति लेना जरूरी होता है दोस्तों। अब आपका बच गया समापन प्रस्ताव, ठीक है। तो समापन प्रस्ताव जो है दोस्तों, ये एक तरह से जो संसद की कार्रवाई चल रही है उसको समाप्त करने के लिए लाया जाता है, ठीक है। संसद की कार्रवाइयों को, एक सेकेंड, समापन प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये प्रस्ताव का उद्देश्य होता है संसद में जो जो चर्चा चल रही है उसको बीच में रोकना, ठीक है, उस चर्चा को बीच में रोकना। और प्रस्ताव ये जब पारित हो जाता है तो संसद की जो कार्रवाई चल रही है उसको बीच में रोक करके मतदान करवाया जाता है। मुख्य रूप से ये है समापन प्रस्ताव में क्या होता है ना, कि संसद की कार्रवाई को बीच में रोक करके, ठीक है, प्रस्ताव ला करके बीच में रोक करके मतदान करवाया जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों समापन प्रस्ताव। तो आई थिंक ये पूरे प्रस्ताव आपको समझ में आ गए होंगे। इसके मैं नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। ये जो प्रस्ताव मैंने बताए हैं इसकी नोट्स मैं कल आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो करियर फाउंडेशन की टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। आपको सर्च करना होगा करियर फाउंडेशन, वहाँ ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे हर वीडियो की लिंक, कुछ नोट्स भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। करंट अफेयर की PDF आपको बहुत सारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप करियर फाउंडेशन की टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों। नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाए दोस्तों। और हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ें जहाँ पर आपको सिलसिलेवार तरीके से सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराए जाएंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।